बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास स्टूडेंट्स, सर नेम इज़ यार फॉर मैथ्स लेक्चर। स्टूडेंट, आवर 28th लेक्चर इज़ अबाउट एक्सरसाइज नंबर 13B एंड क्वेश्चन नंबर 5। सो क्लास ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 172 एंड क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग आइसोस्केल ट्राइंगल। बेटा आप लोगों ने आइसोस्केल ट्राइंगल बनानी है एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज मीन बाय द आइसोस्केल ट्राइंगल। टू साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट, आर इक्वल इन एंगल्स, डिग्रीज, इसका था आइसोस्केल ट्राइंगल। और यहाँ पे हमारे पास उसने फर्स्ट पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है कि मेजर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ पर उसने आप लोगों को एंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक एंगल दिया हुआ है और दूसरा उसने आप लोगों को क्या कहा हुआ है कि 8 सेंटीमीटर की आप लोगों ने लाइन लगानी है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, इसमें देखिएगा हमारे पास ये जो फोर पार्ट्स हैं ये एक जैसे हैं, उसके बाद वर्टिकल एंगल वाले जो पार्ट्स हैं ये एक जैसे हैं, उसके बाद जो बेस एंगल वाले पार्ट्स हैं ये एक जैसे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को करवा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट को देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो बेटा ये देखिए हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, मेजर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल ए इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे। उसके बाद क्या है, प्रोटेक्टर से हम लोग 65 डिग्री का एट द पॉइंट ए एंगल बना लेंगे, ठीक है। 65 डिग्री का एंगल बनाएंगे प्रोटेक्टर से, ये मैंने 65 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने 8 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है अपनी कंपास से वो 8 सेंटीमीटर ओपन करनी है। 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आप लोगों ने इसे ए पॉइंट पे रखना है और एक आर्क लगा लेनी है जो आप लोगों ने एंगल बनाया है उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर लिखना है आप लोगों ने 8 सेंटीमीटर और यहाँ से आप लोगों ने इसके साथ बना देना है। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों की मेजरमेंट अगर एक जैसे एक मीन स्टार्ट आइसोस्केल ड्राइंग है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोगों के जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से। फिफ्थ पार्ट में आप लोग आ जाता है, फिफ्थ पार्ट में आप लोगों से कहा हुआ है एल्टीट्यूड इज 8 एंड वर्टिकल एंगल इज 50। बेटा आप लोग देखे जरा के ऊपर भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, ये देखे जरा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने एल्टीट्यूड आप लोगों को दिया हुआ था जिसके अंदर वर्टिकल एंगल आप लोगों ने बनाए थे 30-30 डिग्री का, क्योंकि वो हमारे पास ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री का एंगल होता है उसके हर पॉइंट पे, तो 60 डिग्री का हम लोगों ने हाफ किया था। तो इस तरह से यहाँ पर है कि वर्टिकल एंगल उसने आप लोगों को दिया हुआ है 50 डिग्री। इट मीन्स डायरेक्ट मुझे 50 डिग्री का हाफ करके उसके एंगल्स बनाने पड़ेंगे इन बोथ डायरेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, सबसे पहले मैंने इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर एल्टीट्यूड उसने दिया हुआ था मुझे 8 सेंटीमीटर, ये देखें ज़रा एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या करना है आप लोगों ने, 8 सेंटीमीटर का अगर आप लोगों के पास एल्टीट्यूड है तो आपने 4 डिग्रीज उसके अंदर ऐड करने के बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेना, मीन्स डैट 12 सेंटीमीटर। 8 में 4 ऐड करेंगे तो इतना 12 सेंटीमीटर का मैंने एक लाइन सेगमेंट लगा लिया, ठीक है। उसका नाम मैंने रखा ए एंड बी। 12 का हाफ क्या होगा 6, 6 पे मैंने एक पॉइंट लगाया और उसके ऊपर मैंने एक 90 डिग्री का जो है वो एंगल बना दिया, इट्स अ परपेंडिकुलर, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर उसके बाद आप लोगों से कहा था एल्टीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स डैट कि आपने 8 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है, आपने परपेंडिकुलर के ऊपर रख के एक आर्क लगा देनी है। ये हमारे पास उसका एल्टीट्यूड बन गया, ठीक है। जहाँ तक आर्क लगेगी फ़ौरन से आप लोगों ने इसकी रीडिंग लिख लेनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, कि एल्टीट्यूड हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद बात करते हैं एंगल की, वर्टिकल एंगल इज 50 डिग्री। तो 50 का हाफ क्या होगा बेटा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब हम लोग एंगल बनाते हैं तो हम लोग उसकी दोनों डायरेक्शन का हाफ कर देते हैं। तो 50 डिग्री है तो इसका मतलब है कि 25 डिग्री हम लोग इस तरह बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे हम लोगों ने 30 डिग्री का बनाया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रख के 25 डिग्री का एंगल बना देंगे। और इसी तरह से यूँ आप लोग अब इधर की इधर का प्रोटेक्टर रखेंगे और इधर भी आप लोग 25 डिग्री का एंगल बना लेंगे लाइक टू दिस, ठीक है बेटा 25 डिग्री का। तो ये हमारे पास बन जाएगा पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का 50 डिग्री जो उसने वर्टिकल एंगल कहा होगा, ठीक है। ये हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट के अकॉर्डिंग इसी से रिलेटेड हमारे पास जो बाकी के पार्ट्स हैं 6, 7, 8 तक के जो पार्ट्स हैं सारे इसी तरह से हैं क्योंकि सारे हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एल्टीट्यूड और बेस एंगल की। एल्टीट्यूड तो सेम है,
ये वैसे ही होगा बिल्कुल सॉल्व, लेकिन बेस एंगल उसने आप लोगों को दे दिया। अब बेस एंगल क्या होता है, वर्टिकल का तो हमें पता चल गया कि वर्टिकल क्या होता है। बेस एंगल होता है जो बेस के ऊपर बनता है, उसे बेस एंगल बोलते हैं, और उसने आप लोगों को बेस एंगल दिया हुआ है, जबकि हमारी डायग्राम जो है वो बेस एंगल पर नहीं है, हमारे पास डायग्राम जो है वर्टिकल एंगल से बनेंगी, ठीक है। तो हमें इसका वर्टिकल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। तो वर्टिकल एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग पहले ये छोटा सा एक प्रोसेस करेंगे। इसमें वर्टिकल एंगल प्लस बेस एंगल प्लस बेस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने बेस एंगल 2 टाइम्स लिखा क्योंकि उसकी डिमांड थी आइसोस्केल ट्राइंगल की, और आइसोस्केल ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं। 45 + 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ आर एडिड 90 डिग्री, 90 डिग्री व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 180 डिग्री। उससे जब हम 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 90। इट मीन्स डैट कि वर्टिकल एंगल हमारे पास 90 है, तो वर्टिकल एंगल हमारे पास अगर 90 होगा तो इट मीन्स डैट कि हम लोगों ने उसका हाफ करना है। देखें यहाँ पे बाकी सारा क्वेश्चन उसी तरह से है। आप लोगों ने बेस बनानी है, उसका नाम ए और बी रखे, 9 सेंटीमीटर एल्टीट्यूड मेरे पास उसने आप लोगों को दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर का। यहाँ देखें ज़रा एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एल्टीट्यूड लगाया, उसकी आर्क लगा दी। उसके बाद मैंने वर्टिकल एंगल मेरे पास बना 90 डिग्री का, तो मैंने इसका हाफ किया 45 डिग्री एंड 45 डिग्री विद प्रोटेक्टर, ठीक है। तो इसी से इसी तरह का हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें पहले आप लोग वर्टिकल एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। गुड प्रैक्टिस एट होम, गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।